नमस्कार, आप देख रहे हैं आज भी टेक ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। शिव भक्तों के सुधले ने तेज बारिश में निकले डीएमएसपी बिजनौर। डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह तेज बारिश में भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोटा महादेव मंदिर पहुंचकर कांवड़ियों के हालचाल जाने और कानून सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा व कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने तेज बारिश के बीच जिला अधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह थाना मंडावली क्षेत्र अंतर्गत मोटा महादेव पुलिस चौकी व मोटा महादेव मंदिर पहुंचे। वहां दोनों अधिकारियों ने शिव भक्तों का हालचाल जाना। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत से ही डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह सड़कों पर उतरकर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही कांवड़ियों का हालचाल जानकर संबोधित को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने बताया, देखा जाए कि रास्ते में कांवड़ियों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं सही पाई गई, कांवड़िए भी प्रसन्न है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी असुविधा न हो और पूरा बिजनौर क्षेत्र में उनको सारी सुविधाएं मिल सके और वो अपनी यात्रा सबसे पहुँच सकते। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया, हमारी माफी के साथ यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो हमने आधारभूत व्यवस्थाएँ की हैं, जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था की, जिसको भी हमने पूरे क्षेत्र के सेक्टर में बांध रखा है। जहाँ भी डाइवर्जेंस है वहाँ दिन के मतलब पहले इंडिकेशन लगा रखे हैं। पूरे रास्ते में हम ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी कर रहे हैं। चारों तरफ हमारी व्यवस्थाएँ समुचित रूप से लगातार 24 घंटे से करती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांवड़ यात्रा सकुशल सम्पन्न होगी, उल्लासपूर्वक उत्साहपूर्वक आस्थापूर्वक। बिजनौर से आज मीडिया ग्रुप से जुड़े सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शहर और राज्य की हर बढ़िया खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।